लैडर की प्रॉब्लम में मान लो आपके पास एक लैडर है, ये लैडर दीवार से टिकी हुई है और दीवार के साथ फ्रिक्शन नहीं है, फ्लोर में फ्रिक्शन है, क्योंकि अगर फ्लोर में फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर ये बिल्कुल टिक ही नहीं पाएगी, बात ही खत्म हो गई, टिक नहीं पाएगी, क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रिक्शन तो देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन है, फ्लोर में फ्रिक्शन है, लैडर यहाँ टिकी हुई है, अब ये एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रही है, ना ये नीचे जा रही है, ना ये लेफ्ट जा रही है, ना ये राइट जा रही है। दूसरा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, क्योंकि अगर ये स्लिप हो जाती है तो लैडर ऐसे घूमती हुई नीचे गिरेगी, पर हमने कहा ही नहीं घूमती हुई नीचे गिर रही है, हम तो खुद कह रहे हैं ये किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, तो ये रेस्ट पे पड़ी हुई है, तो इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन्ड है। तो आपको ये बताना है कि लैडर ने जमीन से यहां नॉर्मल रिएक्शन लिया N2, दीवार से नॉर्मल रिएक्शन मिला N1, आपको N1 N2 की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो पहले लैडर पे कौन कौन सी फोर्सेस बनेंगी इसको देख लेते हैं। लैडर की पहली फोर्स बनेगी N1 N2 नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर से, लैडर की दूसरी फोर्स बनेगी दीवार से नॉर्मल रिएक्शन, लैडर का खुद का वेट होगा सेंटर ऑफ मास पे पड़ा होगा W, और W क्वेश्चन में गिवन भी है 20 kg का, मतलब 20g। लैडर की फ्रिक्शन, क्योंकि लैडर का ये पॉइंट लेफ्ट स्लिप होगा तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी, टूवर्ड्स राइट। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? फोर्सेस फिर से आ गई आपकी ज़िंदगी में, हमने छोड़ा था फोर्स को, फोर्स फिर पीछा नहीं छोड़ रही, फिर वही फ्री बॉडी डायग्राम्स आ गए। तो फोर्सेस क्लियर है, कुल मिला के कितनी फोर्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसके अंदर यहाँ मेंशन कर लो, ये जो डिस्टेंस है वो आधा मीटर है, हाफ मीटर, गिवन नहीं है, गिवन कर लो हाफ मीटर, दिस डिस्टेंस इज हाफ मीटर, लिख लो, बाकी सारे डिस्टेंसेस गिवन है आपको। करें स्टार्ट, हमने N1 N2 बनाना है। तो लैडर की प्रॉब्लम में आपको ना दो तीन पॉइंट सीधे याद करने हैं, मतलब समझने हैं, बस वो रूल लगा देना, आपका लैडर की प्रॉब्लम गलत नहीं हो सकती। पहला रूल, फोर्स कोई मिस ना करना, फोर्सेस सारी बननी चाहिए, चलो फोर्सेस बन गई। दूसरा रूल, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बना दो, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, बोलो उस तरफ की राइट की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स कितनी है, N1, लेफ्ट की फोर्स कितनी है, N1, राइट की फोर्स कितनी है, F। तो पहली क्वेश्चन क्या है, N1 इज इक्वल टू F, ऊपर की फोर्स कितनी है, N2, नीचे की फोर्स कितनी है, तो N2 इज इक्वल टू W, कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, ट्रांसलेशन, खत्म, ठीक है यहां तक। अब बनाते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल में जो ध्यान से आंसर देना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या लगेंगे, टॉर्क लगाने के लिए मुझे एक पॉइंट ऑफ रोटेशन लेना पड़ता है कि मैं टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालूं ना, लैडर में कभी सेंटर ऑफ मास नहीं, उसके अबाउट तो रोटेशन हो ही नहीं रही, या पॉइंट ए या पॉइंट बी, कोने का पॉइंट होता है लैडर में, देखो ना, जब लैडर गिरेगी तो ये इसका एक्सिस माना जाएगा, ऐसे सोचो जमीन नहीं है, लैडर ऐसे गिर रही है तो ये इसका एक्सिस है, तो लैडर का कोना कोई भी ले लो, चाहे ए पॉइंट ले लो चाहे बी ले लो, कोई चक्कर नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, तुम कोई भी पॉइंट ले लो चलेगा, कोई पॉइंट ले लो, तुम ये लो ये लो, कोई मर्जी पॉइंट ले लो, कोई चक्कर नहीं, दोनों में आंसर सही आएगा, हाँ हो सकता है, हम आगे करेंगे। तो पहली बात तो ये मूव नहीं कर रहा ना यार, वो तो इमेजिन कर रहा हूँ मैं, मूव तो कर ही नहीं रहा वो तो ए पॉइंट पे टिका हुआ है, बी पॉइंट पे टिका हुआ है, तो इसलिए ए और बी के ऊपर काम करो, प्रेफर करो कि आप ए पॉइंट लो, पता है क्यों ना, क्यों, जब तुम टॉर्क निकालोगे ना तो N2 का टॉर्क क्या आएगा, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये लो ये एक्सिस है, जीरो। एफ का टॉर्क भी क्या आएगा, जीरो, दोनों के दोनों तो एक्सिस पे पड़े हुए हैं, तुम्हारी जिंदगी सुखी हो जाएगी, इक्वेशंस कम बनेंगी, तो वो पॉइंट लेना चाहिए जहां मैक्सिमम फोर्सेस है। तो एक काम करते हैं, हम ये पॉइंट ले लेते हैं जिसके अबाउट टॉर्क निकलेगा, तो N2 खुद एक्सिस पे काम कर रहा है, इसका टॉर्क जीरो, एफ खुद एक्सिस पे काम कर रहा है, इसका टॉर्क जीरो, W का टॉर्क क्या लगेगा, W फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि मैंने कितना लिखवाया था, हाफ, तो W इंटू हाफ, ये टॉर्क है। नेक्स्ट है
एन वन, एन वन का क्या बनेगा? देखो एन वन को मन में इमेजिन करो, एन वन यहाँ तक है और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये इसका बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एन वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? टू रूट टू। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, एन टू का टॉर्क ज़ीरो क्योंकि एक्सिस के ऊपर है, एफ का टॉर्क ज़ीरो क्योंकि ये भी एक्सिस के ऊपर है, डब्ल्यू का टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन में हाफ गिवन है, और एन वन का टॉर्क बनेगा, एन वन को यहाँ तक ले जाओ और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसके अबाउट ये जो डिस्टेंस इसके इक्वल होगा टू रूट टू। अब बस हमें ये देखना है कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है, ताकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इक्वेट करके रोटेशनल इक्विलिब्रियम बन जाए। अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा तो बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत फोर्सेस हैं। लैडर के केस में एक ऐसा ट्रिक बताता हूं जो कभी गलत हो ही नहीं सकता, एक मिनट में आंसर आएगा। तुम एक काम करो, लैडर के अंदर से एक लाइन क्रॉस कर लो, ऐसी लंबी सी लाइन कर ली, लैडर के उस पार कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एन वन एन टू है और एन वन है, और इस पार बाउंड्री के इस पार कौन सी है, ये। तो सिंपल है, उस पार जो फोर्सेज हैं वो जो टॉर्क लगाएंगी, इस पार जो फोर्सेज हैं वो जो टॉर्क लगेंगे उसको इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा और वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अपना बैलेंस हो जाएगा। लैडर में सबसे सही चीज यही है। देखें तो इस पार उस तरफ, उस तरफ एन टू तो कोई टॉर्क नहीं लगाएगी, एन वन ने कितना लगाया था, एन वन इंटू टू रूट टू, इधर आ जाओ, F तो लगाएगी नहीं, W ने कितना लगाया था, W इंटू हाफ, ये देखो ये देखो, N1 वन इंटू टू रूट टू, डब्ल्यू इंटू हाफ, एन वन आ गया, N1 आ गया और N2 तो वेट के इक्वल ऑलरेडी आया ही हुआ था, 20 जी आंसर आ गया। तो आइडिया समझ आया कि लैडर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। फिर एक बार देखते हैं लैडर की प्रॉब्लम, जैसे सपोज करो मान लो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, बस फर्क ये है इस बार फ्रिक्शन दीवार में भी फ्रिक्शन है, फ्लोर में भी फ्रिक्शन है। चलो फोर्सेस डिस्कस करते हैं, निकालना वही है, एन वन एन टू। पॉइंट नंबर वन, ये लैडर इक्विलिब्रियम में गिवन है, पहली फोर्स क्या बनेगी, एन टू, दूसरी फोर्स क्या बनेगी, एन वन, तीसरी फोर्स क्या बनेगी, इसका वेट जहाँ कहाँ एक करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। नेक्स्ट फोर्स, क्योंकि ये इधर स्लिप कर रही है तो फ्रिक्शन इधर बनेगी, और क्योंकि ये नीचे स्लिप हो सकती है तो फ्रिक्शन ऊपर बनेगी। सारी फोर्सेस क्लियर है, ठीक है ना? अगर ये स्लिप किया तो ये पॉइंट नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगी, सही है? सारी फोर्सेस बन गई। सबसे पहले ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, बोलो लेफ्ट की फोर्स राइट की फोर्स बराबर करो, लेफ्ट की फोर्स कितनी है, एन वन, राइट की फोर्स कितनी है, फ्रिक्शन, एन वन इज इक्वल टू ये फ्रिक्शन, पहली इक्वेशन। ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स, बोलो ऊपर की कौन सी फोर्स है, एन टू, और साथ में म्यू वन, एन वन इज इक्वल टू कितना, एम जी, ये रहा इक्वेशन नंबर टू। कौन सा इक्विलिब्रियम बन गया, ट्रांसलेशन, राइट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए पॉइंट ले लो जिसके अबाउट आपको टॉर्क्स निकालने हैं, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, बोलो एन टू का टॉर्क क्या है, जीरो, इस फ्रिक्शन का टॉर्क क्या है, जीरो, एम जी का टॉर्क क्या है, एम जी, अगर ये एम जी है ये डिस्टेंस कितना होगा, एल बाई टू, ये थीटा है तो ये आधा डिस्टेंस क्या होगा, एल बाई टू कॉस थीटा, तो इसके अंदर क्या बनेगा, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, ये इसका टॉर्क है। नेक्स्ट एन वन, एन वन का टॉर्क क्या बनेगा, एन वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, एल साइन थीटा, क्योंकि अगर ये एल है ये थीटा है तो ये एल साइन थीटा। नेक्स्ट इसका टॉर्क क्या बनेगा, ये फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा। अब देखो ना, अगर ये एल है ये थीटा है तो ये टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, एल कॉस थीटा, तो म्यू वन एन वन इंटू एल कॉस थीटा, तो टॉर्क निकालने आ गए। अब कौन किसके साथ इक्वेट होगा, एक लाइन खींच लें, ये मैंने एक लाइन खींच ली, इस पार देखो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक दो और तीन, ये भी इसी पार है, और नीचे की तरफ कौन सी है, एम जी और ये, सही। तो इनका टॉर्क तो है ही नहीं, छोड़ दें,
एन वन और म्यू वन, एन वन का टॉर्क विल बी बैलेंस्ड बाय एम जी का टॉर्क. ये देखो एम जी का टॉर्क इज बैलेंस्ड बाय एन वन और म्यू वन, एन वन का टॉर्क इक्वेट कर लेना. तीन चार इक्वेशंस हैं आपके पास, एन वन एन टू निकाल लेना. नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव शीट आएगी, उसमें ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसमें चार ऑप्शंस होंगी, उसमें करके देख लेना क्या आंसर आएगा. मेरे पास आंसर नहीं है, पर मेथड यही रहेगा. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर?